मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या देखने हैं, और हम देखने हैं ये, ये देखें, वाओ, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आप कैमरे में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी कहते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग, एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और यार आज का जो है ना व्लॉग, ये पिछले व्लॉग से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं कहीं और, ठीक है, लाइक एज अ ट्रिप जा रहे हैं, और वो भी हम जा रहे हैं सिर्फ इस बंदे के कहने पे। इसने बार बार कहा यार ट्रिप पे चलो, ट्रिप पे चलो, ट्रिप पे चलो। ये बंदा, ये क्लिप वाला, क्लिप उतार दिया यार, ये तुमने कर दिया। और एक और बंदा हमारे साथ है, वो है ये हमारा उबर ड्राइवर, जिसका नाम है दानियाल। उबर वाले नहीं भाई, हमारा ड्रॉप ऑफ बहुत आ गया, तो आप आज आप बहुत कमाएंगे, ठीक है। तो यार देखे होता क्या है ट्रिप में, कि एक बंदा वो होता है जो सबसे पहले उठ जाता है और वो सबको उठाता है, और वो है ये लड़का जिसका नाम है मूसा हुसैन, ठीक है। एक वो लड़का होता है जिससे उम्मीद होती है कि ये सबसे लेट आएगा, हाँ, वो, लेकिन वो जल्दी आ जाता है, वो मैं, ठीक है। और एक ये मेरे घर के बाहर खड़ा हो गया था, वरना मैं कभी आधे घंटे बाद लेट आया, फिर भी आधा घंटा खड़ा हुआ। और एक लड़का वो होता है कि जब आप निकल चुके होते हैं, कि अब हम निकलने लगे हैं, तब जाके वो बंदा उठता है, ठीक है, और आप उसे लास्ट कॉल करते हैं कि यार अगर ये वाली कॉल इसने ना रिसीव की तो हम चले जाएंगे, और वो बंदा इतना मनहूस होता है कि वो वही आखिरी कॉल उठा लेता है। और वही हमारे साथ हुआ है, हमने कहा हम निकल जाएंगे अगर इसने कॉल ना उठाई तो, और आखिरी कॉल उठा के हेलो यार तुमने दो कॉल ही तो की है सिर्फ, चलो आ जाओ जल्दी से। अब ये सीन है, हमने ये रास्ता बिल्कुल साफ जाता है, सीधा जाता है। तो अब हम जा रहे हैं उस बंदे की तरफ, उस डैश बंदे की तरफ, उसे जाएंगे, उसके घर वेट करेंगे और उसे उठाएंगे, और उसके बाद हम निकलेंगे अपने सफर पे। और सफर है हमारा 6 घंटे का, और 6 घंटे का सफर पता नहीं हम कैसे करेंगे। आप भी हमारे साथ रहे, हम आपके साथ रहेंगे, और चलते हैं आगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार, है ना, आगे आपको पता है अल्लाह बहुत देगा, क्या क्या देगा वो भी पता है, ठीक है। तो तब तक और मूसा को भी सब्सक्राइब करें और दानियाल को भी सब्सक्राइब करें। तो यार जो आखिरी बंदा होता है वो कहता है बस 10 मिनट में रेडी हो रहा हूँ, उसके बाद 1 घंटा लगाते हैं, और आप भी ढीठों की तरह उसका वेट करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि यार इसको साथ वो लव है, वो लव है, ठीक है। और वो है ये बंदा, अस्सलाम वालेकुम जी, इसको आपने देखा तो होगा, मेरे तवस्सुल से आपने इसे बड़ी दफा देखा होगा से। और इस बंदे को बहुत गालियां निकालनी थी, लेकिन इन द एंड क्या होगा कि ये डब्बा उठा ला है, ये मोहब्बत है मेरी, ये इन लोगों के लिए, मेरे भाइयों के लिए प्यार है, ये डब्बा ना लेकर आया होता ना तो इसको जो है ना इसी डब्बे में, आंखों में आंसू आ गए इसकी ये बात सुन के, इसी डब्बे में बंद करके इसे जो है ना उतार देना था। लेकिन अब हम खाएंगे, अरे बहुत भूख लग रही थी, अब हम खाएंगे ब्रेड और साथ में कटलेट। मैनू साज सुन दे, साजा विचो कन तेरी आवाज सुन दे, तेरी आवाज विचो तेरा मुंह दिखदा नहीं, तेरे मुंह नु देख देख काका गीत लिखदा। तो यार अब हम पहुंच चुके हैं भेरा, और भेरा आए और मैकडोनल्ड ना खाएं तो मैकडोनल्ड की बेइज्जती हो जाती है, ठीक है। तो मैकडोनल्ड खाएंगे और यहाँ पे तालियां बजनी ये देखे बातें इतनी अच्छी है, अगर तालियां बजाने की जो है ना वो लोगों को जरूरत पड़ जाती है। तो अब हम भेरा खाएंगे, उसके बाद थैंक यू सो मच, और हाय कह दें सबको, अपने फैंस को हाय हाय कह दें सबको, हाय, ठीक है। ये बॉटल पकड़े, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, शेक पकड़ लिया जी, शेक, दो कार्टे में टी रह गई है और एक शेक रह गया, देखे दो हमने कार्डेमम पहले ले लिया, अब वो कह रही है आपके दो कार्डेमम रह गए, वो कह रही है तो हम मना तो नहीं कर सकते। देखे हम कहते हैं कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, और आने वाली चीज को ना नहीं करनी चाहिए, तो इसी तरह से वो अब हमें दे रही है, खड़ी रहने तो हमें क्या। तो अब हम जो है एक्सक्यूज मी, अगर ये कैमरा आगे करें और आप आ जाए वीडियो में तो कोई मसला तो नहीं है, चले ठीक है, थैंक यू। अब ये देखे जरा दो कार्डे में मारी है, ये देखिए मैम स्ट्रॉ दीजिएगा, स्ट्रॉ भी दे दें, और ये देखिए इसने खाना भी शुरू कर दिया, दोजक में लगे यार, दोजक में भी नहीं होगा, ये देखिए अभी जरा ब्रैंक, थैंक यू, ये ले दो,
और अभी जो है कट। हाय, आप पहले ही हमें तो कार्डमम दे चुकी हैं, ये क्या कर रही हैं? ज्यादा आ गई है तो दे दे, कोई मसला नहीं है। ओके थैंक यू बाय अल्लाह हाफिज़। यार सीन ये है कि जब आप लेट निकले ना ट्रिप के लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कभी टाइम पे पहुंच जाएं। ऐसा लाजमी है कि आपने जो है ना एक आधा यू टर्न, एक आधा टर्न ऐसा गलत लेना होता है या एक आधा टर्न ऐसा मिस करना होता है जिसके बाद आपका रास्ता और लंबा हो जाता है। और ऐसे ही कुछ आज हमारे साथ हुआ। और हमारे जो ड्राइवर है वो है ये भाईजान, जो कि जिन्होंने मुझसे फोन ले लिया था कि यार मैंने आगे टर्न लेना है तो मुझे फोन दे दो, और बाद में कहते हैं कि यार गलत आ गए हम जरा थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं जी, जब शुरुआत ही ऐसे मनहूस मनहूस अंदाज में होगी तो फिर यही तो कुछ देखने को मिलेगा। पूरे 5 घंटे की जलालत के बाद फाइनली वी आर हेयर, और यहाँ पे अब देखें नीचे जाना है, ट्रैकिंग करनी है। ट्रैकिंग के बाद पता लगेगा कि जहाँ पे हम आए हैं वो जगह कैसी है। तो रश तो यहाँ पे काफ़ी है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। स्टिक्स ले ली हैं, अब हम करेंगे ट्रैकिंग और देखते हैं कि हम कितनी जल्दी पहुँचते हैं। ठीक है, तो टारगेट है कि हम 15 मिनट में पहुंचेंगे। बताओ जी कितने मिनट में पहुंचेंगे? 15 मिनट लगेंगे बस, ये नीचे पहुंच जाना हमने ऐसे 2 मिनट में। ठीक है चलो। ओ मैं चला जे सच्ची चल। चलो जी अब हम मिलेंगे नीचे। अगर मैं नीचे पहुंच गया तो फिर मैं आपको जो है वो नीचे का वो दिखाऊंगा, अगर मैं ना पहुंच सका तो फिर मैं जियो की पट्टी पे आऊंगा। ओए, ओए मैं थक गया, ओए बस हो गई है। मूसा क्या कहेंगे आप? सलूट बहुत चल रही है यार, बहुत चल रही है। आज के बाद ये इस तरह की महंगी ट्रैकिंग नहीं करनी। बहुत ओए हो। और हाई आप क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल ट्रैकिंग। हमारे 2 मुजाहिद गिर चुके हैं, जिनमें एक है दानियाल और दूसरे हैं हमारे हाई भाई, और ये दोनों गिर चुके हैं। और ये वैसे भी गिरे हुए इंसान ही हैं, तो यहाँ पे आके इन्होंने अपनी गिरी हुई हरकत का मुजाहरा किया है। तो अब हम आगे चलेंगे, और मूसा कह रहे हैं कि यार मैंने आगे नहीं जाना, मैं भी गिर सकता हूँ, लेकिन नहीं हम आगे जाएंगे। सही इंजॉयमेंट जो है ना ये भाई कर रहे हैं, आके अपना जो है खाना बना रहे हैं, और जो है ना वो ये देखें कितना माहराना अंदाज में इन्होंने आग जलाई है। और ये देखें कटिंग हो रही है टमाटर की, और इधर टिक्के लग रहे हैं। और अगर हम थोड़ा वेट करें तो हमें 2-4 टिक्के मिल जाएंगे खाने के लिए। ठीक है, तो हम आपका वेट कर रहे हैं, आप बस बनाएं, हम इधर ही हैं, फिर हम आते हैं आपसे थोड़ा सा चख के जाएंगे। ठीक है, ये वाटर बॉल, ये अम्ब्रेला, ये है हमारा अम्ब्रेला। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम किसी ने आना है तो अम्ब्रेला वाटर बॉल ऐसा ही मिलेगा। था कि यार ये फारिक सी जगह होगी, लेकिन लिटरली बहुत ही अमेजिंग जगह है, और मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरी इंग्लिश बहुत कम हल्की फ्लो है। ठीक है, लेकिन बहुत ही फिट जगह है यार, बहुत ही लेवल की है। तो आप भी ज़रूर आएं और देखें इसे, और एक चीज़ का ख्याल रखें कि यार अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ना तो कूड़ा ना फेंकें। ठीक है, आप इस जगह को साफ रखेंगे तो ये साफ रहेगी, कोई कोई जो है वो स्पेशली आके इसे साफ नहीं करने वाला। तो काइंडली जो है वो इसको साफ रखें,
बंदा नीचे तो आ जाता है बहुत एक्साइटेड होके, लेकिन ज्यादा मौत पड़ती है जब आपको वापस ये चढ़ के जाना पड़ता है। ये लड़का बहुत तेज ऊपर जा रहा था, मैंने सिर्फ इतना कहा है मूसा रुक जा, तुझे कराची का वास्ता, देखे वहीं पे जाम हो गया, हिल ही नहीं रहा आगे से। पिलाओ साकी पिलाओ के रास्ता अभी बहुत बाकी है, कोई चंदा शंदा है नहीं दे दियो। पिलाओ साकी बगैर ता दे दे पोता। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी गधे को घोड़े पे बैठते हुए नहीं देखा तो वो आज मेरे चैनल के तवस्सुल से आप देखेंगे। ये देखें, चल चल यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिर जाएगा बस, और क्या होगा भाई, एक दिन सबने गिर के मरना है। तू तो वैसे भी गिरा हुआ है। फाइनली गधा घोड़े पे बैठ चुका है। ये हमने स्पेशल बिल्ली के दूध की चाय बनवाई है मूसा के लिए। मूसा कैसी है चाय? अच्छी, खालिस दूध था दानी, फ्रेश बिल्ली, फ्रेश बिल्ली ने अभी अभी बिल्ली थी, बड़ी तगड़ी बिल्ली, खालिस। ऐसा एक एक ग्रुप में जरूर लड़का होता है जिसका जो है ना उल्टी आ जाती है, ठीक है, और ये बोल रहा है।